सबको जय यीशु। पुनः एक बार सत्संचार स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। बाइबल सीरीज की इस कड़ी में आज की चर्चा का विषय है सुक्ति ग्रंथ, और इस ग्रंथ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्रद्धे फादर राजेश जयशील। श्रद्धे फादर राजेश बरेली धर्म प्रांत के एक युवा पुरोहित है, जिन्होंने 15 वर्ष अपने पुरोहिताई के पूरे किए हैं। इन 15 वर्षों में वो धर्म प्रांत के कई स्थानों में नियुक्त किए गए थे, कहीं पर पल्ली पुरोहित के रूप में, कहीं पर विद्यालय के प्रबंधक के रूप में, और कई विद्यालयों में प्रधान आचार्य के रूप में। वर्तमान में श्रद्धे फादर राजेश पूरनपुर में संत योसेफ पल्ली के पल्ली पुरोहित हैं, और साथ ही साथ संत योसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधान आचार्य हैं। आज आप सबों की ओर से मैं स्टूडियो में उनका स्वागत करता हूं। स्वागत है फादर जी आपका। धन्यवाद फादर। तो आज के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं फादर जी, और सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है कि सुक्ति ग्रंथ का ये जो शीर्षक है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जैसे इंग्लिश में कहते हैं, उस शीर्षक के बारे में हमें थोड़ा बताइए, समझाइए। ये जो प्रोवर्ब्स है, ये सूक्ति ग्रंथ, इसका जो शीर्षक है ये इब्रानी भाषा के मिशले शब्द से लिया गया है जी। इसका मतलब ये बुद्धिमानी शब्द जी, और जो नीति वचन, तो उसके बारे में बताता है। और ये जो ग्रंथ है ये राजा सुलेमान के साथ जोड़ा गया है जी, क्योंकि वे ये राजा विवेक से परिपूर्ण थे जी। तो उसके बाद इसका प्रथम उद्देश्य ये है, जो धार्मिक जीवन बिताना चाहते हैं, जो नैतिक तरीके से जीवन बिताना चाहते हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में ये ग्रंथ साबित होता है जी। तो इसलिए ये शीर्षक, इसको सुक्ति ग्रंथ, नीति वचन ऐसे भी कहा जाता है जी। दूसरा प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है कि इसका लेखक कौन है, लेखक के बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। ये जो ये शास्त्री विद्वान है, इसमें कई सारे खंड हैं, अलग अलग जो व्यक्तिगत रूप से जो कथन हैं, और इसमें कई सारे लंबी बातचीत हैं जी, और जो मूल्यवान कथन है, जो यादगार कथन है, उसको संग्रह करके इस ग्रंथ को बनाया गया है जी। तो इसलिए वे जो इस शास्त्री विद्वान बताते हैं, ये सुलेमान हैं जो इसके शीर्षक हैं, तो उन्हीं के साथ और आगे भी और भी जो शीर्षक हो सकते हैं, जो इसके लेखक हो सकते हैं, जो इसमें अध्याय 30 में बताया गया ये आगुर नामक उनकी सुक्तियां हैं, उसके बाद अध्याय 31 में बताया गया है ये लेमुएल राजा का सुक्तियां हैं जी। तो इसलिए कई सारे लेखक हैं, यानी संग्रहित है, अनेक लेखकों का जो बताए गए शब्द हैं उनके संग्रह किया गया ये सुक्ति ग्रंथ। ठीक है फादर जी, धन्यवाद। इस पुस्तक के लेखनी की स्थिति क्या होगी, यानी किस अवधि में लिखी गई है, किस समय में लिखा गया है, कुछ इसके बारे में विद्वान बताते हैं। लगभग ईसा पूर्व 900 साल पहले जी, तो ये लिखा गया है जी। ये इसलिए बताते हैं, उस समय इसराइल के जो राष्ट्र थे जी, उस समय नैतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत उच्च स्तर पे था, जिस समय राजा सुलेमान उनके उनके शासक थे जी। और ऐसे भी बताया जाता है, जो राजाओं के ग्रंथ पहले ग्रंथ में बताया जाता है, तो उस समय बहुत सारे लोग अन्य राज्यों से भी लोग आते थे, राष्ट्रों से आकर उनकी बातों को सुनने के लिए वे आते थे जी। तो इसलिए उस समय 900 साल पहले जो सुलेमान थे उन्हीं के समय माना जाता है जी। जैसे कि उनकी तो बड़ी चर्चा रहती है कि नए नियम में भी, नए विधान में भी प्रभु यीशु ने जिक्र किया है सुलेमान के बारे में, तो सुलेमान का जो अवधि थी, जो समय था, बहुत ही स्वर्णिम समय जैसे कह सकते हैं। ठीक है फादर जी, इस पुस्तक के लेखन का उद्देश्य क्या होगा, क्या समझते हैं आप? इसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य है, जैसे सुक्ति ग्रंथ में हम लोग देखते हैं पहले अध्याय 7 में और 9वें अध्याय 10 में बताया जाता है, जो प्रज्ञा का मूल है जी, प्रभु पर श्रद्धा है, प्रभु पर भय है जी। तो इसका मूल उद्देश्य यह है, जो धार्मिक जीवन बिताना चाहते हैं जी, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताना चाहते हैं जी, तो उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में जी ये दिया जाता है। और विशेषकर इसमें बताया जाता है, जो पारिवारिक जीवन है
उसमें माता पिता का कर्तव्य उसको भी उसमें उल्लेख किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है जो सही रास्ते पर चलते हैं उनके बारे में, और उसके बाद जो बुरे रास्ते पर चलते हैं उसके बारे में भी इसमें हाईलाइट किया जाता है। जी, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, ये जैसे कि कहा गया है यानी ईश्वर का भय यानी ज्ञान की शुरुआत है। जब ईश्वर का भय होगा तो ज्ञान की शुरुआत है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए और किस तरह से हमारा ईश्वर से संबंध इस तरह से जुड़ता है उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक हमें समझाइएगा। कई बार हम लोग सोचते हैं जो ईश्वर का भय का मतलब है, मतलब डर के मारे प्रभु हमें दंड देता है, जो गलत रास्ते पर चलते हैं उनको दंड देता है, लेकिन इसमें उसका अर्थ ये नहीं है जी। क्योंकि प्रभु ने सब कुछ बनाया है, वो श्रद्धा और सम्मान के योग्य है। जब हम किसी को आदर सम्मान करते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर अपनाने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं जी। तो इसमें जो प्रज्ञा का मूल है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, प्रभु का भय से जीवन बिताते हैं, तो उसी हमें मार्गदर्शन करता है, प्रेरित करता है कि जब हम प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं तो सही रास्ते पर चलते हैं, जो नैतिक जीवन बिताते हैं, धार्मिक जीवन बिताते हैं। तो उसी तरीके का जीवन बिताने के लिए ये प्रभु का भय हम सबों को विवेक प्रदान करता है, प्रेरणा प्रदान करता है। यानी इसमें एक विभाजन है, एक डिफरेंशिएशन है, एक जैसे कि हम कहते हैं कि एक साइकोलॉजिकल फियर जो कि नहीं होना चाहिए, और एक रेवरेंशियल फियर यानी श्रद्धा से पूर्ण या भक्ति से पूर्ण भय जो हम ईश्वर के प्रति रखते हैं। तो ईश्वर के प्रति जो भय है वो है एक रेवरेंशियल फियर, यानी वो ईश्वर है और हम मनुष्य हैं, वैसा वाला फियर, ना कि मानसिक भय, क्योंकि मानसिक भय मनुष्य को कुंठित कर देता है, उसके ग्रोथ में बाधा डालता है। धन्यवाद दादाजी। तो अगला प्रश्न मेरा ये है कि इस ग्रंथ, ये सुक्ति ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या, मुख्य संदेश क्या आप सोचते हैं, मुख्य संदेश क्या होगा? ये मुख्य संदेश ये है, अगर कोई प्रभु के रास्ते पर चलना चाहता है जी, तो उनको मार्गदर्शन की जरूरत है जी। क्योंकि मनुष्य अपने आप में ही, हमारे सोच विचार कमजोर है, मतलब सीमित है जी, लेकिन प्रभु के सोच विचार असीमित है जी। तो इसलिए ये राजा सुलेमान और जितने भी इसके लेखक हैं जी, वो चाहते हैं कि अगर हम नैतिक जीवन बिताना चाहते हैं, धार्मिक जीवन बिताना चाहते हैं, पारिवारिक जीवन में जो माता पिता का जो आदर सम्मान करते हुए उनके रास्ते पर उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलना है, तो उसी के लिए हमें रास्ता दिखाता है किस तरीके से हमें सही जीवन बिताना है, धार्मिक जीवन, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए जीने का जीवन बिताना है, उसी के उद्देश्य के लिए ये लेख लिखा गया है जी। मूल रूप से यानी एक तरह से जीवन के हर पहलू में किस तरह से नैतिक जीवन बिताना है, इसके बारे में जिक्र किया गया। धन्यवाद फादर जी। तो अगला प्रश्न है कि इस पुस्तक में, जैसे कि आपने बताया अभी तक कि विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है, बताया गया है विभिन्न विषयों पर के बारे में सुक्ति के रूप में, और जैसे कि शक्ति और माता पिता के आदर सम्मान करना, परिवार की भूमिका, सच्ची मित्रता के बारे में बताया गया, बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई, तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी और विस्तार से हमें समझाएंगे आप। इसमें विशेषकर शब्दों का इस्तेमाल जी, जो शब्द हम बोलते हैं वो किसी को जीवन दे सकता है और किसी को नष्ट भी कर सकता है जी। इसलिए जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जी, उसको सोच समझकर सही तरीके से इस्तेमाल करना है जी। क्योंकि जो हमारा कोमल शब्द है जी, वो किसी परेशानी को, किसी लड़ाई को खत्म कर सकता है जी। लेकिन हमारा जो कटु वचन है उसको भड़का सकता है और बढ़ावा दे सकता है जी। तो इसलिए जो हम बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उसमें ध्यान देने की जरूरत है, जो ये सूक्ति ग्रंथ हमें बताता है किस तरीके का शब्द बोलना है, अनावश्यक हमें कपशप में नहीं रहना है, जो बुराई की बातें करते हैं उसमें नहीं लगे रहना है, जो धार्मिक बातें करते हुए हम एक दूसरे को मदद करना है, ये शब्दों की शक्ति है जी। और इसमें पारिवारिक जीवन के बारे में भी, जो माता पिता का जो कर्तव्य है
माता पिता को किस तरीके से अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना है, क्योंकि उनका कर्तव्य है, क्योंकि बच्चे वरदान के रूप में परिवार में दिए जाते हैं। परिवार में किस तरीके से पति पत्नी और बच्चों का जो रिश्ता है किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से उनको मार्गदर्शन मिलना है उसी के बारे में बताता है। और तीसरा जो मित्रता है, जो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, जो अच्छा फ्रेंडशिप, जो रिश्ता है, वो हमें बल देता है आगे बढ़ने के लिए, जो सकारात्मक रूप से बढ़ने के लिए। इसलिए अच्छी मित्रता और बुरे मित्रता, इसके बारे में भी वो वर्णन करता है जी। तो इसलिए हमें जब हम मित्र को चुनते हैं तो सही मित्र को चुनना है जो सकारात्मक तरीके से हमें आगे बढ़ा सकता है। लेकिन हम गलत मित्र को चुनते हैं तो हम बुरे रास्ते पर चल सकते हैं और हमारा जीवन भटक जा सकता है, क्योंकि संगति का बहुत असर होता है। तो इसीलिए अच्छे मित्र होना बहुत जरूरी है जी। धन्यवाद फादर जी। जैसे कि आपने बताया परिवार के संबंध के बारे में बताया गया, जो कि वर्तमान में बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए शायद सुक्ति ग्रंथ को ज़्यादा पढ़ना चाहिए इस वर्तमान समय में। इस पुस्तक में कई शानदार बातें कही गई हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई। आपका आपके व्यक्तिगत पसंदीदा कौन से ऐसे वाक्य हैं या ऐसे कौन सी सुक्तियाँ हैं जो आपको पसंद आए हैं? जो सबसे पहले तो जो अध्याय 1 वाक्यांश 7 और अध्याय 9 वाक्यांश 10 में जो प्रज्ञा का मूल प्रभु का श्रद्धा है, प्रभु पर श्रद्धा है, वो सबसे पसंदीदा है। क्योंकि अगर हम प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं तभी हमें इस तरह के प्रज्ञा का वरदान मिलता है, विवेक का वरदान मिलता है, जिस तरीके से सुलेमान को मिला था। सुलेमान ने प्रभु से वरदान मांगा और प्रज्ञा के साथ साथ, विवेक के साथ साथ सब कुछ उसको प्रदान हुआ। तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो शब्दों के बारे में, जो कोमल शब्द है सारे लड़ाइयों को खत्म कर सकता है जी। और जो कटु वचन है वो उसको क्रोध को भड़का सकता है जी। ये भी मुझे बहुत पसंद आया जी। और उसके बाद और एक वचन है जिसमें बताया जाता है सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो जी। अपनी सभी कार्यों को ईश्वर पर समर्पित करो और वो सब कुछ पूर्ण करता है जी। तो इसी तरीके से सुक्ति ग्रंथ पढ़ते समय थोड़ा मुझे पसंद आया, जिसको पालन करने से हम ईश्वर के पास और करीब आ सकते हैं जी। जो हमें प्रेरित करता है जी। एक जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सही मार्ग से आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहित करता है, है ना? तो अच्छी बात है फादर जी। और जैसे कि मैं समझता हूँ कि आपने इस पूरे ग्रंथ को बहुत बार पढ़ा होगा, और क्योंकि आप आज के इस चर्चा में हमें बता रहे हैं इतने सुंदर तरीके से, तो एक तरह से आपने इसको निचोड़कर इसका रसपान किया है मैं समझता हूँ। तो उसके आधार पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर कोई भी सही मार्ग पर चलना चाहते हैं, इसमें कई तरह के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए उपदेश है जी। इसमें सूति ग्रंथ में दिया गया है, मार्गदर्शन दिया गया है, और विशेषकर जो प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ना चाहते हैं, धार्मिक जीवन बिताना चाहते हैं, न्यायपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं और जो नैतिक जीवन बिताना चाहते हैं, उनके लिए इसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। और जो बुरे रास्ते पर चलने से हमारे जीवन में क्या होने वाला है जी, उसको भी दर्शाया गया है, ताकि हम उसको देखकर सावधानी बरत कर और सही रास्ते पर हम लोग चल सकते हैं जी। तो इसलिए इस सूक्ति ग्रंथ को जरूर पढ़ें, कम से कम एक बार पढ़ें जी, ताकि इसमें जो बहुमूल्य चीजें, मूल्यवान चीजें लिखी गई है, उसको अपने जीवन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी। जी, और ना केवल हमारे स्वयं के लिए, औरों को भी मदद करने के लिए। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है, तो हम उनको भी सुक्ति ग्रंथ पढ़कर सुनाएं या उसमें से वाक्य बताएं, शेयर करें दूसरों के साथ में। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने फादर जी। तो इस पूरे चर्चा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।
हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बहुत ही सरल तरीके से, यानी मैं कहूँगा इट्स ईजी वे टू अंडरस्टैंड, तो इस तरीके से आपने हमें बताया सुक्ति ग्रंथ के बारे में। मैं समझता हूँ आपके इस चर्चा को सुनने के बाद हमारे दर्शकों को इसको, इस पुस्तक को पढ़ने में आनंद आएगा ज़रूर, और समझ में भी अच्छी तरह से आएगा, क्योंकि कुछ अगर बैकग्राउंड हमें समझाया जाता है किसी पुस्तक के बारे में तो उस पुस्तक को पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो आज के इस चर्चा से मैं समझता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आप लोगों को ये ग्रंथ समझ में आई होगी, इसका बैकग्राउंड समझ में आया होगा, इसकी पृष्ठभूमि समझ में आया होगी, और इसके साथ इस मदद के साथ आप इस ग्रंथ को बड़े आनंद के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे और अपने जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए ये लाभान्वित होगा। तो आप सभी ये दर्शकों की ओर से मैं श्रद्धेय फादर राजेश को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चर्चा के लिए, जो उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे किसी और ग्रंथ को लेकर आप हमारे बीच में ज़रूर आएंगे। तो दर्शकों, आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे इस चैनल को दूसरों तक ज़रूर पहुंचा रहे हैं। तो पुनः एक बार दरखास्त है आप सबों से, नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को देखें स्वयं और दूसरों तक भी पहुंचाएं, और अगली बार एक अलग, एक नए ग्रंथ को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत रहेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिएगा।